हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक। तो भाई, इस गेम के अंदर नया इवेंट आया है, फायरवर्क्स सेलिब्रेशन। तो अगर तुम लोग गेम बहुत पहले से खेलते हो, 1 साल के आसपास से खेलते हो, तो भाई तुम लोग ये इवेंट के बारे में तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि क्या इवेंट है। तो मैं आपको सारे इवेंट के बारे में बताता हूँ। पहले तो अपने यहाँ पे रेंचोवर चालू है। रेंचोवर कौन सा चालू? रेंचोवर का फेज 2 चालू है अपने पास। रेंचोवर 2 जहाँ पर लिखा रहता है वो चालू है अपना। और अपने पास यहाँ पे अपना फीस्ट भी है, जो आज के दिन समझो खत्म होने वाला है, कि इसका इवेंट ओवर हो चुका है फीस्ट का अपने। और अब आ जाते हैं अपन अपने मेन इवेंट का, जो इसके दिन आज के दिन आया। मेरे को लगा था कोई नया इवेंट देंगे गेम वाले, पर मेरे को पता था कि ये गेम वाले कैसे। तो यहाँ पे देखो भाई, अपने को जो गेम नया नया था, अपने को जो अपडेट्स का लिस्ट दिए थे, उसके अंदर नया अजीब सा कुछ नाम रखे थे इसका हट के, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पर यहाँ पर भाई फायर वर्क सेलिब्रेशन है, अंदर की सारी चीज़ें फायर वर्क सेलिब्रेशन जैसे सेम टू सेम है, जैसे पहले आया था 1 साल पहले समझो, वैसे एकदम सेम टू सेम दिया। मैं आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले है थीविंग फैक्ट्री अपना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टील बॉडी, जो स्टील बॉडी लोग ने नया आर्मर दिए थे वो देखो, स्टील गार्ड करके, आयरन गार्ड, स्टील गार्ड, स्टील गार्ड, वो स्टील बॉडी था, बॉडी आर्मर, जो यहाँ पे एकदम टॉप पे पैसे में मिल रहा है आपको। यहाँ पे सारे मेगा ओरिजिनल पोकेमोन, ओरिजिनल प्राइमरी, ओरिजिनल ग्राउडन, ओरिजिनल जिराची, सब गरीटिना, सब कुछ ओरिजिनल, ओरिजिनल पैसा रहे सारे पोकेमोन। एक तो इवेंट ये हो गया अपना, फिर दूसरा एक्सचेंज इवेंट। एक्सचेंज इवेंट कौन सा फैक्ट्री का? यही वाला इवेंट। फिर दूसरा अपना ये वाला इवेंट है एडवेंचर के अंदर से, जो अपने को चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर जो समनिंग रैंकिंग है वो तो फिलहाल ऑफिस चल रही है, ठीक है, वो एक दिन बाद आने वाली है। फिर यहाँ पर डिट्टो विश लिस्ट है, वो भी एक दिन बाद आएगी, उसका मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर यहाँ पर नेशनल डे लक्की, जो यही चीज़ में काम आता है खाली इवेंट, यहाँ पर आना है आपको, आपके एडवेंचर में कहीं पर भी बैटल करना है, उसके बदले अपने को एक्स्ट्रा टिकट्स मिलेगी अपने को, जो टिकट्स बोल सकते हैं एज अ कॉइन यूज होगा, कूपन मिलेगा बोल सकते हैं, जो कूपन अपने एज अ करेंसी यूज होता है ऐसे बोल सकते हैं अपने यहाँ पे, कहाँ पे? नेशनल, इसके अंदर, ठीक है, नेशनल डे लक्की चेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऐसे अपन ये सब खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो मेरे पास 194 है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें खरीद नहीं सकता हूँ। क्या खरीद सकता हूँ? नॉर्मल डिट्टो भी नहीं खरीद सकता हूँ, ब्लू टिकट समनिंग खरीद सकता हूँ, सीडी खरीद सकता हूँ, रॉक और पोकीबॉल दो टाइप के, और देख सकते हैं यही दिख रही है, 2, 4, 6, 7 चीज़ दिख रही है, यही 7 चीज़ मैं इससे खरीद सकता हूँ, बाकी और कुछ मेरे को इससे खरीदना रहेगा। तो उसके लिए मेरे को ये इवेंट का या फिर इस गेम के अंदर मेरा पॉप अप रहना चाहिए, इस गेम के अंदर मेरे को पैसे पेड रहना चाहिए, तो ही बाकी की चीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो ये भी बहुत अजीब है इस गेम के अंदर का। फिर यहाँ पे ये देखो, ये इवेंट है, इवेंट के नाम पे क्या लिखा पता है? कि एडवेंचर के अंदर जाओ तुमको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। और ये देखो, ये 3 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जो फिलहाल करंट इवेंट चल रहे उसके वजह से अपने को मिल रहे। और यहाँ पे लोग ने क्या बोले कि एकदम बड़ी लिस्ट बना के दी, तो अपने को 7 इवेंट है, कितने बता रहे? 4, 5, 6, 7 है बता रहे ना। इसमें से देखो लास्ट का देखते हो डिटो विश लिस्ट अपनी, ऐसा लग रहा है कि पोकेमोन का जगह यहाँ पे लोग वापस डिटो के नेचर्स देने वाले अपने को। डबल कॉइन का तो बोल ही जाओ, नॉर्मल टाइप का इवेंट है, ठीक है, वो तो अपना आते जाते रहता है। समनिंग रैंकिंग एक है जो मेरे सबसे लास्ट टाइम से चालू हुआ। ये देखो एक्सचेंज फैक्ट्री क्या है, कि यहाँ पर अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, और फैक्ट्री से एक्सचेंज करने के लिए अपने को थीम फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब थीविंग फैक्ट्री और एक्सचेंज फैक्ट्री दोनों एक ही इवेंट है, क्योंकि अगर मेरे को थीविंग फैक्ट्री के अंदर कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को एक्सचेंज फैक्ट्री से खरीदना ही पड़ेगा। और इसका यहाँ पे भी है नेशनल डगर चैलेंज के अंदर से, मेरे को जो कूपन चाहिए वो कूपन के लिए उसके जो नीचे बोल रहा है कि तुमको कूपन करना पड़ेगा, वहाँ पे जाने पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब 4 चीज़ अनलॉक है, जिसमें से हम लोग हर दो दो चीज़ का ग्रुप है, कि 2 इवेंट में जाने के लिए आपको दोनों इवेंट जाके गई, एक चीज़ करने के लिए गेम के अंदर। तो अभी बेमतलब क्या, पहले तो लोग सब कुछ साथ में दे भी देते थे, इस बार तो लोग कुछ साथ में भी नहीं दे रहे। इवेंट का नाम के नाम पे अपने को एड़ा बनाए, तो अभी क्या कर सकते, यही आए फिलहाल जो भी आए, होपफुली कल समनिंग आ जाओ, खाली डिट्टो वाली ना निकले। फिलहाल चलो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे डायमंड्स बर्बाद कर गए, 200 नॉर्मल डायमंड यहाँ बर्बाद किया मैंने, ये सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे गाड़ी पे इसको रखा, यहाँ पे रखने के भी इसके अलग पैसे लगते, दोनों सिलेक्ट कर दिया, डायमंड वाला हाथ दिया, 200 वहाँ से ख़रीदा, 200 यहाँ से ख़रीदा, तो 400 डायमंड मैंने यहाँ पे लगाए हूँ मेरे। स्पीड बढ़ा देता हूँ उसकी, 3 स्पीड कर दिया, 3 हाथ निकले, 4 रेमो डायमंड पे चौथा हाथ भी निकलता है, उसमें भी सक्सेस के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो अपने को 2 मिला, ये क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा, तो अपन जल्दी से अपने बैकपैक के अंदर जाके देखेंगे कि जो 2 चीज़ मिला क्या है। SSR के श्रांड्स वाला कुछ मिला अपने को, ठीक है। तो अपना फैक्ट्री एक्सचेंज फैक्ट्री का हो गया, दोनों इवेंट आपको दिखा दिया मैं खेल के, कि भाई एडवेंचर के अंदर से जाके बॉल खरीदो, पोकी बॉल टिकट खरीदो, ठीक है। SSR मीडियम, तो यहाँ पर देखो मेरे को SSR का एक सिलेक्शन पैक मिला, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है, एक सिलेक्शन पैक वो मिला है। अब इसके दूसरा वाला का है, इसके साथ जो था SR, ओके, ये देखो क्वेश्चन मार्क वाला दिखा SR का, और ये उससे छोटा वाला पैक है, इसमें भी क्या दिए लोग ने, SSR का सिलेक्शन पैक दिए। तो मेरे को 400 रुपये लग गए सिर्फ 2 SSR के सिलेक्शन पैक खरीदने,
ऐसा पोकेमॉन पकड़ने जाऊंगा ना वो पोकेमॉन मिस हो जाता है ना, तो इन लोग ऐसे आके स्टार्ट दे देते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन के नाम पर लोग ने इतना बड़ा अपने साथ वो कर रहे हैं, एड़ा बना रहे। तो कोई नहीं, इतने बड़े अच्छे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, बाय बाय।